हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 17 फरवरी 2024। 17 फरवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक तो ज़रूर कर सकते हो आप लोग, है ना, कोई शर्म वाली बात नहीं है। प्लीज़ लाइक करें जितने लोग देख रहे हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बहुत ही प्यारे कोट के साथ। ये फ्रेडरिक नीट्से का कोट है। जो लोग फिलॉसफी ऑप्शनल से जुड़े हैं वो इनको जानते होंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो आज से जान जाएंगे। ही इज़ ए वेरी मिसअंडरस्टूड फिलॉसफर, थोड़े इनके बारे में पढ़िएगा। बहुत प्यारी प्यारी किताबें लिखी हैं, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स। तो कोट है, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव फॉर कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। बहुत ही प्यारा कोट है। अगर आपके पास एक वाई है फॉर योर लाइफ, मतलब कि वाई आर यू देयर, वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, देन यू कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो फिर आप कोई भी कैसे होगा क्या कैसे करना है वो हर चीज़ आप क्लियर कर लोगे अगर आपके पास केवल एक वाई है। तो हैव अ पर्पज़, द आइडिया ऑफ दिस कोट इज़ टू हैव अ पर्पज़। आप अपने पास एक पर्पज़ रखें, आपके पास एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तब आपको कोई भी हाउ इसका जवाब मिल जाएगा। सो दैट इज़ अ कोट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ। कल किसी ने कहा था क्वेश्चंस लैपटॉप में दिख नहीं रहा था, तो मैंने इसको वर्ड में लिख लिया ताकि आपको बड़े ही बड़े बड़े अक्षरों में दिखे बढ़िया। तो पहला सवाल है, विच कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी वॉज लिंक्ड विद इंडियाज़ UPI थ्रू MOUs। अभी आनी नाम का एक प्लेटफॉर्म जोड़ा गया है पेमेंट का, तो इनमें से कौन सी कंट्री का है। आज फैक्चुअल क्वेश्चंस का दिन है, बिल्कुल आप बताएं इसका आंसर। ऑप्शंस आपके सामने हैं UAE, कतर, UK, म्यांमार। देखो बड़ा आसान सवाल है, ऐसे सवाल थोड़ा कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो आप लोग। अब आप देखो इस क्वेश्चन में कौन सी कंट्री भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही इंडिया के साथ रिलेशंस में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, UAE विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अगला सवाल पे आते हैं, इन विच ईयर वॉज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब देखो क्यों ये क्वेश्चन है, हालांकि ये फैक्चुअल सवाल है यहाँ पे, लेकिन UPSC जब पूछेगा ना तो ये स्टेटमेंट टाइप में आ जाएगा। मतलब कि तीन स्टेटमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड में दे देगा, उसमें से एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फला फला ईयर, है ना। तो ठीक है, वो स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया। इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कब आया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, मैंने पढ़ाया था याद होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2018, 2018 में ये सवाल 2018 में ये स्कीम आई थी। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं, अब ये सवाल का जवाब आप खुद देखें, विच स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइटेड एज वायलेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायलेट हो रहा है फॉर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ऑप्शन आर आर्टिकल 21, आर्टिकल 12, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19। द वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप करेंगे, है ना, यू विल आंसर योर सेल्फ। सो ये रहे तीन सवाल। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज की है, फियर्स ऑफ पैलेस्टीनियन एक्सपल्शन ग्रो एज सैटेलाइट फोटो शो इजिप्ट बिल्डिंग अ वॉल नियर गाजा। तो इजिप्ट जो है वो एक वॉल बना रहा है गाजा के बाद। आपको पता होगा कि वैसे मैंने आपको दिखाया था कि गाजा पट्टी जो है ना, दैट इज लेट मी शो यू दैट, है ना, राफा क्रॉसिंग इज देयर। ये पहले भी मैंने आपको बताया है, राफा क्रॉसिंग जो है वो इजिप्ट के पास ही है। लेट मी शो इन द मैप, ओके दिस इज द मैप, वी हैव गॉट इट, ओके सो यू विल सी इट हेयर, जस्ट लेट द फोटोग्राफ लोड ऑन इट्स ओन। ओके सो दिस इज द फोटोग्राफ, यू कैन सी दिस इज द गाजा स्ट्रिप, है ना, गाजा स्ट्रिप है, यहाँ दियार अल बलाह है, खान यूनिस है, देन दिस इज राफा। यू कैन सी राफा इज इन द गाजा एंड ये इजिप्ट वाले पोर्शन के बीच में, मतलब इसराइल इज बॉर्डरिंग दिस इजिप्ट वाला पोर्शन, दिस गाजा इज बॉर्डरिंग दिस इजिप्ट वाला पोर्शन, एंड दिस क्रॉसिंग, द क्रॉसिंग टू इंटर इन टू इजिप्ट इज द राफा क्रॉसिंग, है ना। तो दैट इज द पार्ट विच इज देयर, ये पूरा आप समझ लीजिए कुछ इस तरीके से है, इसराइल का पार्ट, इसराइल के पार्ट में ही बीच में ये फिर गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो गाजा पट्टी ये है, दिस इज द गाजा पट्टी, एंड गाजा पट्टी एंड इजिप्ट के बीच में आपको यहाँ पर राफा क्रॉसिंग मिल जाएगी, ठीक है, दिस इज द राफा क्रॉसिंग। थैंक्स टू इंडियन एक्सप्रेस फॉर दिस फोटोग्राफ, ये इंडियन एक्सप्रेस का आ रहा है, तो वेरी क्रेडिट्स टू दैट। एंड गाजा सिटी है, दियार अल बलाह है, खान यूनिस है, ये जगहें कुछ याद रखेगा। गाजा स्ट्रिप जो है वो मेडिटेरेनियन को टच करता है, गाजा स्ट्रिप कोई अलग से कंट्री नहीं है, बट ओके वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट यस इट टचेस दिस पार्ट और नॉट, है ना।
तो ये आपका थोड़ा सा मैप वाला पोर्शन भी हो गया, ठीक है ना। एंड अभी इसराइल राफा को अटैक कर रहा था, इसलिए हो सकता है कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, मतलब रेफ्यूजीज, नॉट माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स विल नॉट बी अ राइट टर्म, क्योंकि माइग्रेंट और रेफ्यूजी में तो अंतर पता ना, माइग्रेंट मतलब जो इकोनॉमिक पर्पज से ज़्यादातर मूव कर रहे हो, और रेफ्यूजी मतलब जो परसिक्यूशन से बचने के लिए या किसी डिप्रेशन के स्टेट से बचने के लिए मूव कर रहे हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज़ वेल, ये भी आपको पता हो गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी, आप भी मेरे साथ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे है ईडी प्रोब फाइंड्स नो फेमा वॉयलेशन इन द पेटीएम केस। अब एक नया डेवलपमेंट आ रहा है ईडी वाले केस में, ये आपका पेटीएम वाले केस में। अब ईडी का ये कहना है कि भैया कोई वॉयलेशन नहीं देखा गया है फेमा का। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। एंड इसके अलावा ईडी ने एक और चीज़ कही कि देर इज़ नो शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर पीएमएलए, जो कि इसके पेमेंट बैंक के केस में बने। अगर कोई केस ही नहीं बन रहा तो ऑब्वियसली बात है फिर प्रोब भी नहीं होगी, तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग के इन्वेस्टिगेशन नहीं किए जा सकते हैं। 50 लाख से ज़्यादा वॉलेट और अकाउंट्स एजेंसी ने एग्जामाइन किए एंड दे डिड नॉट फाइंड एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर द पीएमएलए एक्ट। तो पेटीएम के रिगार्डिंग कोई ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। दिस इज अगेन न्यूज़ है ना। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, थोड़ा सा फैक्ट आपको पता होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कि 1956 में बना था, तब इन्फोर्समेंट यूनिट कहा जाता था और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता था। फिर 1957 में इसका नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही आने लगा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज के अंदर आने लगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ईडी का मेन काम तो यही है कि फेमा के वॉयलेशन पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करना, तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता ऐसा उनका। हाँ, हालांकि जो केवाईसी वाला इशू है जो जिसमें आरबीआई ने एक्ट करना है, तो ईडी का कहना है कि उसमें आरबीआई जो है वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है, दैट इज द डोमेन ऑफ आरबीआई, वी विल नॉट बी एंटरिंग इनटू दैट डोमेन। बट हाँ, फ्रॉम द पीएमएलए पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द मनी लॉन्ड्रिंग पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो केस, देयरफॉर देयर विल नॉट बी एनी इंक्वायरी। अब एक नई न्यूज़ आ रही है कि चुनावों से पहले एफसीआई जो है यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो फूड ग्रेन्स जिन बैग्स में डिलीवर करेगा उसमें प्राइम मिनिस्टर की यानी कि उनकी फोटो रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, द यूनियन गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग दैट द ब्रांड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज डिस्प्लेड कॉन्स्पिक्यूअसली ऑन फूड ग्रेन बैग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो यहाँ पर योजना का नाम आपको पता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और इसमें क्या है, फ्री फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं टू द फ्री फूड ग्रेन्स इज प्रोवाइडेड टू अबाउट 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज ऑफ द अंत्योदय अन्न योजना। तो बेनिफिशरीज अंत्योदय अन्न योजना के जो उनको दिया जाता है, एंड इसके अलावा प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स जो है उनको दिया जाता है। एंड अभी लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि 75 करोड़ बेनिफिशरीज को फूड ग्रेन्स दिया जा चुका है फ्रॉम दिस, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दिस फोटोग्राफ नाउ, है ना। थोड़ा सा मैं एफसीआई के बारे में अगर देख सकते हैं, तो एफसीआई के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। एफसीआई के बारे में थोड़ा से फैक्ट्स आपको बता देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं एफसीआई जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एफसीआई का जो एक्ट है वो 1964 में आया था, जिसको फूड कॉरपोरेशंस एक्ट बोलते हैं 1964 का। इसके अलावा एफसीआई जो बनी थी बॉडी वो 1965 में उस एक्ट के मार्फत बनी थी, इस कारण से उसको स्टैट्यूटरी बॉडी हम बोल रहे हैं। मिनिस्ट्री जो लगती है एफसीआई में वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, या देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड ये लगती है, दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड इसका मेजर जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोक्योरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके 5 जोनल ऑफिसेज हैं, 25 रीजनल ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द रिम्यूनरेटिव प्राइजेस टू द फार्मर्स टू हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द क्राइसिस मैनेजमेंट ओरिएंटेशन एंड ऑल। तो ये भी एक सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो यहाँ पर ये हो गई बात इस चीज़ की, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। हालांकि अभी पता है मैंने आपको सारा पढ़ा दिया था, बट वो रिकॉर्डिंग पार्ट में आया नहीं, इसलिए दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, टॉर्पीडोज रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट इन न्यू डील्स क्लियर बाय डीएसी। तो डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कुछ डील्स क्लियर की हैं, जिसमें नेवी के लिए जैसे आपने
हैवी वेट टॉर्पिडोज़ लेने के लिए बात की है, एयरफोर्स के लिए आपने फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट्स की बात की है, इसके अलावा रिकॉनाइसेंस के लिए आपने मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस सिस्टम्स की बात की है ना, ऑल दिस थिंग्स विल बी परचेज। ये अप्रूवल DAC का आया, तो मैं इस न्यूज़ आर्टिकल में केवल आपको DAC के बारे में बता दूँ। DAC का मतलब होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन करता है, ये बड़ा सवाल है, UPSC ने पूछा भी हुआ है। इसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, दैट इज़ अ थिंग यू कैन रिमेंबर। इसके अलावा एक CCS होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसको कौन हेड करता है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी है तो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। सारी कैबिनेट कमेटी को नहीं करता है प्राइम मिनिस्टर, आपके एक छोटा सा सवाल ये है कि कौन सी कैबिनेट कमेटी इसको प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करता है, ठीक है, तो ये एक छोटा सा सवाल आपके लिए और रहेगा। अगला देखो था कि यूज चाबहार पोर्ट, इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज से अर्ज किया कि भैया चाबहार पोर्ट का यूज करिए, ठीक है ना। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनको कहा है कि आप चाबहार पोर्ट का यूज़ करिए। और अभी रिसेंटली हो क्या रहा था, तो रीजनल डायलॉग ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑन अफगानिस्तान चल रहा था, कहाँ पे, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में, वहाँ पर ये सारा डिस्कशन किया गया है, ठीक है ना। तो एक तो चाबहार पोर्ट की लोकेशन याद रखिएगा इसमें कि चाबहार पोर्ट कहाँ पर है, दूसरा शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है इसी पोर्ट पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू द मैप, आप ये मैप देख पा रहे होंगे, दिस इज द चाबहार पोर्ट जो कि गल्फ ऑफ ओमान वाले पोर्शन पे खुलता है, फिर पाकिस्तान में ये ग्वादर पोर्ट बना हुआ है। अच्छा, ये पाकिस्तान, ये चाबहार से अफगानिस्तान जाने के लिए तो रूट है, देखो इसमें पहले जहेदान पड़ता है जो कि अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है, देन जरांज पड़ता है जो कि अफगानिस्तान वाले पार्ट में आता है, देन देलाराम पड़ता है जो कि अफगानिस्तान वाले पार्ट में आता है, तो इसलिए जरांज देलाराम हाईवे जो था वो भी अभी न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, और यहीं पे आपका शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल पड़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आप याद रख सकते हैं, और इंडिया ने अर्ज किया कि भैया आप इसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। अगला है, अ चांस टू स्टॉप द लॉन्ड्री साइकिल ऑफ पाकिस्तान सिलेक्शन। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने तीन चीज़ें बोली हैं जो मैं एक बार हालांकि बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। ऑथर ने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शंस देखने में हमको ये तीन चीज़ें पता चलती हैं कि पिछले 30 सालों में, पिछले 30 प्रधानमंत्रियों में कोई भी ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जिसने फुल टर्म अपना पूरा किया हो। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी जो अभी रही है, जैसे भुट्टो की चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी हो, इन सब ने बेसिकली ये कभी ना कभी आर्मी की चहेती रही हैं। तीसरा उन्होंने कहा है कि ये आर्मी की चहेती रहने के साथ साथ एक और इशू है कि ये कभी ना कभी फिर आर्मी के अगेंस्ट भी हुई हैं, और आर्मी ने इनको इम्प्रिजन या अरेस्ट भी किया, जैसे अभी इमरान खान के साथ हो रहा है, पिछले नवाज शरीफ के साथ हुआ था। दूसरा जो टर्म ऑथर ने यूज़ किया है यहाँ पे, वो यूज़ किया है कि ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी मॉडल है, ठीक है ना, दिस इज़ दी हाइब्रिड डेमोक्रेसी मॉडल जो कि पाकिस्तान का है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, लेट मी शो यू। ये देखो हाइब्रिड डेमोक्रेसी लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी प्लस अथॉरिटेरियन रिजीम के साथ बनती है। डेमोक्रेसी क्यों, क्योंकि इलेक्शन होता है, अथॉरिटेरियन क्यों, क्योंकि आर्मी के पास पावर ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। बट ऑथर ने कहा है कि उस वोटर का सोचो जिसको पता है कि उसके वोट की इतनी वैल्यू नहीं की जाएगी बाद में, लेकिन फिर भी वो वोट करने जा रहा है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि IMF ने अभी काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, तो अब नई गवर्नमेंट को कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। तो पहली चीज तो उनको बजट कट करना पड़ेगा सीवियरली, दूसरा उनको जो उनका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो मार्केट डिटरमाइंड करना पड़ेगा, देन टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी रखनी पड़ेगी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे स्पेशली इन द एनर्जी सेक्टर। तो ये सारी चीजें ऑथर ने यहां पे बताई हैं। दूसरे आर्टिकल पे आते हैं, दूसरा एडिटोरियल है मैसेज, द क्लियर मैसेज इन द कोर्ट्स नो टू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इस आर्टिकल में ऑथर ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, वो बहुत सही किया, और दैट इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट। अब इस जजमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ऑथर ने 2 से 3 पॉइंट ऐसे दिए हैं जो इस बॉन्ड में, इस स्कीम में गड़बड़ चल रही थी। तो पहला ऑथर ने कहा है कि सबसे पहला जो गड़बड़ी था वो ये था कि जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनकी लिमिटेशंस हटा दी गई थी, कि पहले क्या था, एक लिमिट थी कि भैया अपने प्रॉफिट के आप इतने परसेंट तक ही इन्वेस्ट करोगे, वो लिमिट हटा दी गई, तो अनचाहा मतलब अनलिमिटेड अमाउंट कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को भी बोला कि आप कर सकते हो, लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस भी पैसा दे सकती हैं। तो अब जब लॉस मेकिंग भी दे पाएंगी पैसा, तो इससे दिक्कत क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक चीज कही कि इससे भैया शेल कंपनीज बन सकती हैं, शेल कंपनीज बनेंगी जो केवल पेपर पर रहेंगी और उनके द्वारा फिर आप ये करेंगे। तीसरा जो ऑथर ने इशू बताया वो ये उठाया कि क्रॉनी कैपिटलिज्म का, क्रॉनी कैपिटलिज्म मतलब कि जब बिजनेसेस और
पॉलिटिकल पार्टीज जब मिल जाती हैं तो एक नेक्सस बना लेती हैं. सो दैट इज द थिंग विच आर इशू इज. एंड ऑथर ने फिर ये पॉइंट तो ऑब्वियस बात है उठाया ही उठाया कि जो वोटर है उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उसको सारी चीज़ें पता हों कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से पैसा ले रही हैं, उनके बारे में सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा. दैट इज दीज आर ऑल द इशूज विच वर देयर एंड दे वर रेज्ड ऑल्सो. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल. ये भी आपको समझ में आ गया होगा. मेन बात यही उठाई गई थी इसमें. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है. यू कैन मूव अहेड विद मी. यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है. यहाँ पे एक है, यूरोपियन यूनियन अब अपना डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो है उसने सारी डिजिटल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर दिया है. ठीक है ना, पहले ये केवल बड़ी कंपनी जैसे कि फेसबुक और टिकटॉक के लिए लागू था. अब जो इनका ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट है ना, इन्होंने सबके लिए लागू कर दिया. आप यहाँ पे देख सकते हैं द न्यू डिजिटल सर्विसेज रूल्स, द जो रूल्स आए हैं अंडर द डिजिटल सर्विसेज एक्ट, ये लास्ट ईयर ही आ गए थे बट तब ये फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए थे. अब सारी कंपनीज के लिए हैं एक्सेप्ट फॉर सम स्मॉल कंपनीज. जो स्मॉलेस्ट कंपनीज हैं उनको छोड़ दो तो बाकी सबके लिए लागू होगा. अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि अभी जो पनिशमेंट्स हैं वो भी इम्प्रूव हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं और लगभग 6% ऑफ द टोटल ईयरली मतलब टर्नओवर, टोटल ईयरली टर्नओवर का 6% तक की मतलब पनिशमेंट मिल सकती है. अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पनिशमेंट है ना. तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर. एंड यहाँ पे ये सारे अब जो कंपनीज हैं वो देखा जाएगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है स्पोर्ट्स सेक्शन में. तो अश्विन को 500 सबसे तेज विकेट मिले हैं और सरफराज खान जो है वो फास्टेस्ट डेब्यू में 50 मारने वाले प्लेयर बन चुके हैं. अश्विन से ज़्यादा विकेट आई थिंक इंडिया में फिर अनिल कुंबले जी ने लिए हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.